प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर चंडीगढ़ से है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में आज के दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एक अहम समीक्षा बैठक है और बता दें कि हरियाणा में जिलों के डीसी के साथ चंडीगढ़ में ये अहम बैठक हो रही है और इस बैठक में जिले में कोविड की स्थिति पर समीक्षा हो रही है और इसके साथ ही प्रदेश में जो ब्लैक फंगस का संक्रमण बढ़ रहा है उस पर भी समीक्षा इस बैठक में की जा रही है और चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में ये बैठक जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से आपको बता दें कि चंडीगढ़ में आज के दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एक अहम समीक्षा बैठक है। बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों के डीसी के साथ ये बैठक हो रही है और इस बैठक में जिले में कोरोना के हालातों पर समीक्षा हो रही है। इसके साथ ही प्रदेश में जो ब्लैक फंगस के संक्रमण बढ़ता जा रहा है उस पर भी समीक्षा की जा रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो सीधे चंडीगढ़ से सामने आई है जहां हरियाणा निवास में आज के दिन ये अहम बैठक हो रही है और इस बैठक में प्रदेश में कोरोना के हालात और जो ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उस पर समीक्षा की जाएगी। इसके रोकथाम और सुरक्षा को लेकर कई तरह के विचार इस बैठक में किए जा रहे हैं। इस वक्त के लिए बड़ी खबर चंडीगढ़ से है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में आज के दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एक अहम समीक्षा बैठक है और बता दें कि हरियाणा में जिलों के डीसी के साथ चंडीगढ़ में ये अहम बैठक हो रही है और इस बैठक में जिले में कोविड की स्थिति पर समीक्षा हो रही है और इसके साथ ही प्रदेश में जो ब्लैक फंगस का संक्रमण बढ़ रहा है उस पर भी समीक्षा इस बैठक में की जा रही है और चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में ये बैठक जारी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक बार फिर से आपको बता दें कि चंडीगढ़ में आज के दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एक अहम समीक्षा बैठक है। बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों के डीसी के साथ ये बैठक हो रही है और इस बैठक में जिले में कोरोना के हालातों पर समीक्षा हो रही है। इसके साथ ही प्रदेश में जो ब्लैक फंगस के संक्रमण बढ़ता जा रहा है उस पर भी समीक्षा की जा रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो सीधे चंडीगढ़ से सामने आई है जहां हरियाणा निवास में आज के दिन ये अहम बैठक हो रही है और इस बैठक में प्रदेश में कोरोना के हालात और जो ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उस पर समीक्षा की जाएगी। इसके रोकथाम और सुरक्षा को लेकर कई तरह के विचार इस बैठक में किए जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो चंडीगढ़ से आ रही है।